जैन दोस्तों, अनिल सर आई टी से आपसे बहुत बहुत स्वागत है। एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना की तरफ से आईटीआई, डिप्लोमा, बीबीटेक, 10th 12th और भी कई क्वालिफिकेशंस के लिए परमानेंट रिक्रूटमेंट निकल के आ चुका है दोस्तों। एम्स पटना की तरफ से 644 सीटों पे कई अलग अलग पोस्ट वैकेंसियाँ निकली है दोस्तों, जिसके बारे में आज के स्टूडियो में बात करने वाले हैं। आप नोटिफिकेशन अनिल सर आई टी वेबसाइट पे जब करियर ऑप्शन पे जाइएगा तो आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से डायरेक्ट जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं एम्स पटना की नॉन टीचिंग पोस्ट पे जो ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 की जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में दोस्तों देखेंगे। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी वैकेंसी निकली है दोस्तों, देखिए इसरो की तरफ से वैकेंसी है, बार की तरफ से निकली है, और भी कई सारे क्वालिफिकेशंस के लिए वैकेंसियां निकली है। जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे उसका फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। तो हम बात कर लेते हैं एम्स पटना के रिक्रूटमेंट के बारे में। नोटिफिकेशन आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि 26/4 को जारी किया गया था ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 पोस्ट के लिए, जो कि नॉन फैकल्टी है, कोई टीचिंग के लिए नहीं है। सीनियर प्रोग्रामर एनालिस्ट एनालिस्ट में देखिए तो बी बी टेक, एम सी ए, बी एस सी या कंप्यूटर साइंस सर है, यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे तो बहुत सारे पोस्ट है, आपको 60 से भी ज़्यादा अलग अलग पोस्ट देखने को मिलेंगे। तो हम सीधे चलते हैं आईटीआई के लिए, और यहाँ पे सभी अपना देख लीजिए एक बार, जो भी बीएससी कैंडिडेट हैं, ग्रेजुएट हैं, डिप्लोमा वाले हैं, मास्टर डिग्री चाहिए, एमए है, एमएससी है, अपना एक बार नोटिफिकेशन को डाउनलोड करिए और इसको देख लीजिएगा। ठीक है, और डिप्लोमा का भी ये देखने को मिलेगा, तो एक बार आइए नोटिफिकेशन को डाउनलोड करिए। सीधा हम देख बता रहा आपको आईटीआई में, देखिए आईटीआई का भी आपको कई सारे पोस्ट है अलग अलग सीटों पे। यहाँ पर अप्लीकेशन फीस ही काफी ज्यादा है। नोटिफिकेशन में फॉर्म तो भरने में आपको फीस ही इतना ज्यादा लगेगा कि आप नहीं भर पाएगा, और आपको बता देंगे उसके बाद कितना फीस लग रहा है। नीचे तो जाए तो अभी भी नीचे है। देखिए यहाँ से बात करें, यहाँ पे मैनिफोल्ड टेक्नीशियन में, मैनिफोल्ड टेक्नीशियन में ट्रेड सर्टिफिकेट चाहिए और डिप्लोमा आईटीआई से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यानी कि आप फीचर वाला अप्लाई करें, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम में। और यहाँ पे देखिए तो आगे और देखिए, तो यहाँ पे 12th वाले के लिए देखिए डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट का 10+3 साल एक्सपीरियंस या 12+1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। 7 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, एज 21 से 30 साल के लिए है। और नीचे चले तो यहाँ पे और भी आईटी के लिए सीट है। अभी अभी देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन में देखिएगा तो 6 सीट है, जो कि 10th पास आउट होना चाहिए, आईटी पास आउट होना चाहिए, और आपके पास इलेक्ट्रिकल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस 5 सालों का होना चाहिए। और यहाँ पे देखिएगा गैस पंप मैकेनिक के लिए आईटी पास आउट होना चाहिए, 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल ट्रेड से आप पास आउट होना चाहिए। तो आप फीटर से पास आउट होते हैं, 2 सीटों वैकेंसी निकली है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आगे नीचे देखिए, यहाँ पे भी है, ये सब 12th है, 12th। यहाँ पे 10th में देखिए इलेक्ट्रिशियन वायरमैन के लिए 20 सीट है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 20 सीट है, 10th पास आउट होना चाहिए, आईटीआई या डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से इलेक्ट्रिकल वर्कमैन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस 5 सालों का आपके पास होना चाहिए। और यहाँ आगे बढ़ेंगे, लैब अटेंडेंट में देखिएगा तो 10+2 चाहिए और डिप्लोमा चाहिए। और यहाँ पे जूनियर वार्डन में देखिएगा तो ग्रेजुएट की जा सकता है। यहाँ पे मैकेनिक E&M में देखिए आईटीआई डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिशियन से मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 2 साल का आपके पास वर्कशॉप या किसी भी डिपार्टमेंट में या मेंटेनेंस में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, 4 सीटों वैकेंसी है। लाइनमैन में देखिए तो आईटीआई पास आउट होना चाहिए लाइनमैन ट्रेड से, 2 सालों का एक्सपीरियंस चाहिए, 2 सीट है यहाँ पे। और वही आगे हम बात करें यहाँ पे ऑपरेटर में, लिफ्ट ऑपरेटर में आईटीआई लिफ्ट ऑपरेटर से आईटीआई होना चाहिए, 12 सीट है दोस्तों। मैकेनिक आरएससी में देखिएगा तो आईटीआई पास आउट होना चाहिए आरएससी से, और आपके पास 2 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस आरएससी, मतलब ठीक है, वो भी 6 सीट है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। प्लम्बर में देखिएगा, प्लम्बर में 15 सीट है, आईटीआई प्लम्बर ट्रेड से होना चाहिए, 5 साल का पास एक्सपीरियंस होना चाहिए।
और वही हम बात करें आगे, तो यहाँ पे देखिए ऑफिस स्टोर्स और अटेंडेंट में आईटीआई पास आउट होना चाहिए 16 सीटों पे। और यहाँ आगे बात करें हॉस्पिटल अटेंडेंट में, तो हॉस्पिटल अटेंडेंट में ग्रेड 3 की वैकेंसी है, तो ये मैट्रिक पास आउट के लिए और हॉस्पिटल सर्विस सर्टिफिकेट आपके पास तो होना चाहिए। यहाँ पे टेलर का देखिए 2 सीट है टेलर के लिए, आईटीआई टेलर ट्रेड से होना चाहिए। और हाँ बस इतना ही सीट है, अलग अलग ट्रेड में सीट है ये, तो उसको देख लीजिए और नोटिफिकेशन अच्छे से, इसमें कई सारे ट्रेड हैं कई नहीं है, एक्सपीरियंस की जरूरत है, एक्सपीरियंस चाहिए। और यहाँ पे आगे चला था फीस की तरफ, जनरल ओबीसी का जो फीस है वो 3,000 रुपया है दोस्तों, फॉर्म भरने का ही 3,000 रुपया लग रहा है, क्या क्या बताएं इसमें। SC ST WS में तो 2,400 फॉर्म भरने का फीस है, PWD का फीस माफ है, 2,400 3,000 फॉर्म भरने का इतना ज्यादा फीस है दोस्तों। आगे की तरफ बढ़े एज के बारे में, तो एज सबके बीच बीच आपको बता दें यहाँ पे एज के बारे में, तो 18 से 27 से बीच आपको देने को मिल जाएगा, किसी का 18 से 30 है तो 30 से अधिक नहीं किसी में, तो अलग अलग पोस्ट का अलग अलग आप यहाँ देखने को मिलेगा एज क्राइटेरिया। तो जो ज्यादातर कैंडिडेट क्या है 18 से 30 कैंडिडेट, 18 से 30 के बीच में एज होना चाहिए ठीक है। और सिलेक्शन का जो प्रोसेस है रिटेन एग्जाम होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ठीक है, और इसका ऑनलाइन फॉर्म अभी भरना शुरू नहीं हुआ है, इसको ऑनलाइन फॉर्म अभी भरने शुरू होने में टाइम है, और आपको बताते हैं 29 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो सकता है, और ठीक है और उसके बाद 30 दिनों तक ठीक है, उसके आगे 30 दिनों तक फॉर्म भरा जाएगा, 29 तारीख से लेकर के अभी 28 मई तक इसका फॉर्म भरा जा सकता है ठीक है। इसका फॉर्म भरने का डेट नहीं निर्धारित किया गया कितने तारीख तक और कितने तारीख से फॉर्म भराएगा, जब तक एम्प्लॉयमेंट न्यूज पेपर नहीं आएगा तब तक फॉर्म अभी भी नहीं भरा जाएगा ठीक है, लेकिन 6 मई से लेकर के 4 जून तक इसका फॉर्म भरा जाएगा ठीक है। जैसे कि फॉर्म भरने का डेट आता मतलब लिंक एक्टिवेट होता है, आपको टेलीग्राम चैनल देखिए हैं उस पर आई टी का टेलीग्राम चैनल का अपडेट करके आपको बता देंगे, वहां पे भी हम पूरी जानकारी आपको दे देंगे ठीक है, टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए वहां पे देख लीजिएगा, जैसे ही फॉर्म भरना शुरू होगा आपको वहां पे अपडेट कर देंगे ठीक है। और इस नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन भी और भी कई सारी जानकारी दी गई है, मिलता अगले वीडियो अगले जानकारी के साथ। और अभी फिलहाल आपके पास बार की वैकेंसी है, इसरो की वैकेंसी है और एक एम्स पटना की वैकेंसी आ चुकी है, हालांकि फॉर्म भरने जो फीस ही है काफी ज्यादा है, इच्छुक होंगे इलिजिबल होंगे तो आप इसको चेकआउट करिए अप्लाई कर सकते हैं, मिलते हैं अगली जन के साथ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।